गांधरबल में जिस आतंकी हमले में 7 लोगों की जान गई, उस हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियार विदेशी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये गांधरबल के आतंकी हमले में मारे गए मजदूर मोहम्मद हनीफ का घर है। हनीफ बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था, जो रविवार को उसी टनल के पास काम कर रहा था जहां आतंकी हमला हुआ और 7 लोगों की जान चली गई। 6 बजे बात कल के हमरा से खाना खाए ले जाए रहे, आतंकवादी ओकरा गोली मार दल के, कोई नहीं छे सहारा, पूरा हम गरीब छे। जिस जगह आतंकी हमला हुआ वहां से MP6 राइफल की गोली मिली। MP6 राइफल चीन और तुर्की में बनती है और अब शक है कहीं इसके तार चीन तक तो नहीं फैले। गांधरबल में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित TRF ने ली है, जो लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या TRF को दहशत फैलाने के लिए हथियार चीन से मिल रहे हैं? और अब खबर राजस्थान से है, जहां इन दिनों डेंगू का प्रकोप है, लेकिन डॉक्टर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। मरीजों की लाइन बाहर तक लगी है, लेकिन इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं। तस्वीरें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की हैं। पूरे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हॉस्टल के बाहर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर। लगातार इन लोगों की हड़ताल चल रही है। जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो आपने खिलवाड़ कर रखा है उसको पूरा कीजिए। पिछले 10 महीनों में रेजिडेंट डॉक्टरों की ये चौथी हड़ताल है, लेकिन इस हड़ताल ने डेंगू और मौसमी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की टेंशन बढ़ा दी। दिक्कत है ही साहब, दिक्कत क्यों ना है, परेशानी तो आ ही रही है। राजस्थान में करीब 24,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। वेतन बढ़ाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News, आपको रखे आगे।